Welcome to Network Kings. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेट. नेट क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो प्राइवेट आईपीज को पब्लिक में कन्वर्ट कर देता है. इससे सिक्योरिटी भी मिलती है और आईपीज हमारे वेस्ट नहीं होते. प्राइवेट आईपीज मतलब फ्री है नेटवर्क में और पब्लिक हमें पे करना पड़ता है. अब अगर इन तीन चार कंप्यूटर्स ने इंटरनेट पे जाना है तो उनको पब्लिक आईपी चाहिए. तो फर्स्ट हम स्टैटिक नेट कर रहे हैं. तो उसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर मेनली वो यूज़ करते हैं जिनके ये सर्वर्स लगे हुए हैं जिनके पास. हम बल्कि कंप्यूटर्स की जगह साथ सर्वर्स भी लगा देते हैं, क्योंकि सर्वर का पर्टिकुलर एक ही एड्रेस होता है. तो सबसे पहले हम लैन है इंटरफेस FA0/0, इधर एड्रेस दे रहे हैं इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.100 विद सबनेट मास्क नो शटडाउन. उसके बाद डीएसपी पूल भी चला देते हैं, आईपी डीएसपी पूल सिस्को डिफॉल्ट राउटर जो मेरे अभी मैंने नेटवर्क इंटरफेस को दिया है, और नेटवर्क कौन सी रेंज में एड्रेस मिले उसे 1.0.255.255.0. तो हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया, डीएसपी चल रहा है. देखते हैं, अभी ग्रीन नहीं हुई लाइट तो अभी टाइम लेगा. इतना हम ये वाला कॉन्फ़िगर कर देते हैं. आईएसपी है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो FA01 पे हम एड्रेस दे रहे हैं, आईपी एड्रेस 1.1.1.1 नो शटडाउन. क्लॉक रेट की जरूरत नहीं है क्योंकि सीरियल केबल नहीं है. ऐसी FA0/0 पे तो अभी हमने एड्रेस दे दिया, डीएससीपी से एड्रेस मिल रहे हैं. देख रहे हैं डीएससीपी भी चल रहा है, सर्वर पे भी एड्रेस दे देते हैं. तो हमारे नेट तीन तरह के होते हैं, स्टैटिक डायनेमिक एंड पैट, हम तीनों करने वाले हैं. तो इसी डायग्राम को मैं बार बार कॉपी करूंगा, इसलिए मैं इसी में पेस्ट कर लेता हूँ. ये इस पैट हो गया, तो हम लास्ट में पैट कर लेंगे. तो सबसे ऊपर स्टैटिक नेट कर रहे हैं हम, यहाँ पे आईएसपी एड्रेस दे रखा है. तो स्टैटिक नेट में क्या होगा, एक ही कमांड है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक. आईपी नेट कर रहा हूँ मैं इनसाइड, जो इनसाइड में होता है नेट. प्राइवेट आईपीज मेरी इनसाइड में चल रही हैं, तो एक नेट करने का कन्फिगर इनसाइड सोर्स. तरीका क्या है नेट करने का, स्टैटिक. तो एड्रेस क्या है, किसको आप चेंज करना चाहते हो. इनसाइड एड्रेस क्या है आपका, 1.2, जैसे 1.2 को चेंज करना है, 192.168.1.2. और आपने एक पब्लिक आईपी एड्रेस खरीद रखा है, वो कौन सा एड्रेस होगा, 1.1.1. नेटवर्क का ही, जो यहाँ पे नेटवर्क चल रहे हैं आपके, यहाँ 1.1.1 था और यहाँ पे 1.1.2. तो इसी नेटवर्क का कोई भी आईपी एड्रेस. तो आपने आईएसपी से परचेज कर लिया. और ये किस में चेंज हुआ, 1.1.1.10 ले लिया जैसे मैंने, ठीक है. तो ये पूरा चेंज हो गया. अभी स्टैटिक नेट है तो इंटरफेस FA0/0 है, जो इसमें देनी है कमांड आईपी नेट इनसाइड. और इंटरफेस जो FA01 है, ये आईपी नेट आउटसाइड है, जो पब्लिक में कन्वर्ट करेगा. आईपी नेट आउटसाइड, अब हर एक आईपी के लिए आपको पब्लिक आईपी खरीदना पड़ रहा है, 1.2 के लिए 1.10. अगर मैं एक और सर्वर का करता हूँ इधर डीएससीपी 1.3, तो 1.3 के लिए भी आईपी एड्रेस आएगा, यही सेम कमांड रहेगी 1.3, और उसके लिए भी एक पब्लिक आईपी खरीदना पड़ेगा. जैसे इसके लिए 20 खरीद लिया, 12 खरीद ली, या 11. तो जितने आपके पीसी या कंप्यूटर्स होंगे तो उतने आपको पब्लिक आईपी एड्रेस खरीदने पड़ेंगे. तो मेनली ये यहाँ वहाँ पे यूज होता है, लाइक गूगल के सर्वर्स हैं, तो उनको तो हर एक सर्वर को पब्लिक आईपी देना है, ताकि एक सर्वर मेरा डाउन हो गया तो दूसरा एक्सेस कर पाए. तो स्टैटिक नेट मेनली इतना यूज नहीं होता होम यूजर्स वगैरह के लिए. तो इसके बाद डायनेमिक नेट करते हैं. डायनेमिक नेट में क्या है, अब ये 5-6 आईपीज दे देते हैं इन्हें, वो बस इजी टू कन्फिगर है, वो भी स्टैटिक नेट ही,
वो भी एक आईपी को एक में ही कन्वर्ट करेगा, बट मेन इसका क्या है, ये एक पूल बना देता है। मतलब अगर आपने 3 आईपीज खरीद ली या 30 आईपीज खरीद ली, तो 50 कंप्यूटर्स हैं, तो जो भी पहले 30 पीसीज जाएंगे उनको नेट एक्सेस कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो एक एक्सेस लिस्ट बनानी है इसमें, इस डायनेमिक नेट में एक्सेस लिस्ट 1 परमिट करा देना जो नीचे नेटवर्क चल रहा है लैन पे, 192.168.1.0 उसका सबनेट मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क। अब आईपी नेट पूल बनाना, एक जो आपने पूल मतलब जो आईपी एड्रेस आप खरीदोगे, जैसे मैंने 1.1.50 से लेके 1.1.1.55 तक, 54 तक आईपीस खरीद ली, यानी 5 आईपीस खरीद ली, और उनका मास्क क्या है, कुछ एक सेकंड, आईपी नेट पूल, कोई भी पूल का नाम, सॉरी जैसे जेकेआर दे देते हैं, कहाँ से कहाँ तक आईपी खरीदी, 50 से लेके 1.1.1.54 तक 5 आईपीस खरीद ली। उसके बाद नेट मास्क क्या है इसका, 255 क्लास ए का। अब इसको अप्लाई करने के लिए आईपी नेट इनसाइड सोर्स, पहले स्टैटिक करते थे, अब स्टैटिक की जगह है लिस्ट आएगा। लिस्ट कौन सी है जो एक्सेस लिस्ट बनाई है, वो क्या नंबर था उसका, 1, एक्सेस लिस्ट 1 है, और पूल का नाम क्या है, JKR, हो गया कन्फिगर। सबसे पहले क्या किया, एक एक्सेस लिस्ट बनाई, उसके बाद एक पूल बनाया, मतलब ये एक्सेस लिस्ट बनाई है कि ये पूरा नेटवर्क है, और एक हमने पूल के एड्रेस ले लिए। अब ये लास्ट कमांड से उनको इकट्ठे करना है, तो ये कमांड है आईपी नेट इनसाइड सोर्स, जो एक्सेस लिस्ट है ये वाला पूरा नेटवर्क है, इसको पूल कौन सा साइन हो जाए, JKR वाला, यानी ये सारी आईपीस इनमें कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने इंटरफेस FA00 पे आईपी नेट इनसाइड, और इंटरफेस FA0/1 पे आईपी नेट आउटसाइड। ये नेट होता है ना, जैसे ऊपर भी हमने कॉन्फ़िगर किया है, यहाँ ये भी हमारा इनसाइड पोर्ट है, हमें लगाना पड़ता है दोनों पोर्ट्स पे कि कौन सा नेटवर्क इनसाइड है, मतलब प्राइवेट आईपीस किधर है और पब्लिक किधर है, तो ये इनसाइड है नेट या आउटसाइड नेट है। तो हमारा टॉपिक है पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ये डायनेमिक ओवरलोड भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या करना है, आपने कॉन्फिगर टर्मिनल, वही सेम एक्सेस लिस्ट बनाया, परमिट कराया उसी नेटवर्क को, 192.168.1.0 0.0.0.255 परमिट कराया, आईपी नेट पूल। डायनेमिक और स्टैटिक में कोई फर्क नहीं है, एक सर्वर को एक ही एड्रेस मिल रहा है, बट पैट में क्या, अगर आपकी 50,000 भी कंप्यूटर्स हैं, अराउंड 60,000 आईपीज एक ही आईपी से कन्वर्ट हो जाती हैं, तो एक आईपी अगर आपकी डाउन वगैरह हो जाए कुछ भी, तो इसलिए आप 2 आईपीज रख लो बैकअप के लिए। तो आईपी नेट पूल, पूल क्या दिया, जैसे JKRE स्टार्टिंग एड्रेस, जैसे मैंने एक एड्रेस लिया 50, एंडिंग एड्रेस भी यही, क्योंकि आपने एक ही एड्रेस लिया है। नेट मास्क इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो जाएगा, और आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, सोर्स स्टैटिक की जगह आपने सोर्स लिस्ट दे दिया 1, और पूल का नाम दे दिया JKR, सेम वैसे ही है, बस लास्ट में कमांड लग जाएगी ओवरलोड। तो ये हमारा पैट था। तो अब मैं तीनों को पिंग करके देखते हैं, फर्स्ट स्टैटिक नेट से स्टार्ट होते हैं, हमने कॉन्फ़िगर किया है, पहला पैकेट फेल ही होता है कई बार। क्यों फेल हो रहा है, आई थिंक हमने पूल पे भी लगाया। कन्वर्ट नहीं हो रहा, हमने आई थिंक अप्लाई किया था।
1.1 से पैकेट आ रहे हैं, 1.1 हमने नेट की एंट्री करी है, हमने 1.1 किया ही नहीं था, 1. सर्वर्स को किया था स्टैटिक नेट में, हमने नेट सिर्फ 1.2 और 1.3 के लिए किया था, इसलिए वो पिंग नहीं हो रहा था, हमने सिर्फ सर्वर्स के लिए किया था। अगर उनका करना है तो उनकी भी एंट्री देनी पड़ेगी, वो फर्स्ट टाइम होता है आरपीयू जनरेट होता है, इसलिए अब सक्सेसफुल आ गया। तो अगर आप इसकी शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस देखते हो तो जो 1.2 है, 1.2 है, ये किस में चेंज हो रहे हैं सारे, 1.2 वाला 1.10 में हो रहा है और 1.3 वाला 1.11 में हो रहा है। तो डायनेमिक नेट में भी क्या है, जो भी कंप्यूटर्स वगैरह होंगे आपके, इनमें हमने स्टैटिक एंट्री दी, हमने एक पूल दे दिया 5 IPs का कि कोई भी एड्रेस है वो जा सकता है। जैसे इसको हमने दिया नहीं था, अब 1.1 हमने एंट्री नहीं करी थी, बट ये पिंग कर पा रहा है, देखते हैं। ये देखो सक्सेसफुल, जो भी उसे नहीं पता नीचे क्या है, मैनुअली एंट्री नहीं है, बट जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको अपने आप, जो भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो भी पहले आएगा उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। बट डायनेमिक नेट में जिसको भी आप ट्रैफिक भेजोगे, हमने नेट अप्लाई नहीं किया आई थिंक इंटरफेसिस पे, नहीं वो इंटरफेस FA0/0 पे IP नेट इनसाइड और इंटरफेस FA0/1 पे IP नेट आउटसाइड। अब कोई भी पैकेट जाएगा तो पिंग हो जाएगा, वाप सर्वर से वापस आया और ये सक्सेसफुल। अब वो अगर मैं और कोई पीसी करके देखता हूँ पिंग, मेन है नेट बनाना उसको फिर अप्लाई भी करना, ये भी सक्सेसफुल आ रहा है। अगर आप शो आईपी नेट ट्रांसलेशन से एक कमांड है वो देखते हैं, अगर तो सारे के सारे 1.1, 1.2 सारे 1.50 में चेंज हो रहे हैं। ये पैट है, ये पोर्ट नंबर्स, पोर्ट नंबर्स ऐड हो जाते हैं इसमें, 1.5, 3 और ये।